श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों क्या आप शनि की महादशा से परेशान हैं या आपके बनते हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं क्योंकि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, आपका शनि ग्रह दोष है और शनि ग्रह मजबूत नहीं है? तो यह उपाय आपके लिए है। प्रदीप मिश्रा ने इस उपाय को कथा में बताया था। उनके मुताबिक जो भी इस उपाय को करता है शनि महाराज की कृपा उस पर बरसती है और शनि महाराज जीवन में उसे कभी भी तंग नहीं करते हैं। इस उपाय को करना बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार की जरूरत पड़ेगी, अर्थात शनिवार को ही आपने यह उपाय करना है। यह केवल और केवल शनिवार को ही करना है और आपको हर शनिवार पर करना है। इस उपाय को करना बहुत ही सहज है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक दीपक की जरूरत होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों के दीपक की जरूरत होगी और इस सरसों के दीपक को आपको शाम को प्रज्वलित करना है। करना कहाँ है ये आपको हम आगे बताते हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो भी उपाय हैं ये एनिमेशन वीडियो के द्वारा ही समझाए जाते हैं ताकि आपको कोई भी उपाय करने में कोई परेशानी ना हो और आपको कोई दोष ना लगे, क्योंकि गलत उपाय करने से दोष लगता है। इसलिए इस उपाय को हम समझाएंगे, आप भी उपाय को समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को आपको शाम को करने के लिए पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। जी हाँ, आपको यह उपाय पीपल के पास करना है। आपको यह जो दीपक है पीपल की जड़ में लगाना है। शनि महाराज को प्रसन्न करने का यह उपाय है। आपको यह काम करते हुए पिपलेश्वर महादेव और शनि देव महाराज दोनों को ही याद करना है। और यह उपाय करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस इतना सा ही उपाय है। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनकी भी जो शनि महाराज की जो उन पर साढ़े साथी चल रही है या कोई महादशा चल रही है तो यह समस्या उनकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह उपाय खासकर साढ़े साथी के लिए है, इसलिए इस उपाय को अवश्य करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।